गुड इवनिंग फ्रॉम हरियाणा। तो आपको पिछले ब्लॉग में बताया अभी कि हम हरियाणा पहुंच चुके हैं, तो बस अभी मैं अभी वो ब्लॉग खत्म करके ये ब्लॉग स्टार्ट किया, क्योंकि अभी हम बाहर खाना खाने के लिए जा रहे हैं। वो ब्लॉग बड़ा लंबा हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि नया ब्लॉग स्टार्ट शुरू कर लें। तो आप सभी लोगों का आज फिर से स्वागत है आज एक और नए ब्लॉग के साथ। तो उस ब्लॉग में हम अपने कमरे का टूर नहीं करवाया था, वो मैं कमरा दिखा देता हूँ। इतना अच्छा तो नहीं है, बजट में मिला है हमें कमरा, तो आपको दिखाता हूँ अपना कमरा दिखाता हूँ। तो ये पीछे वॉल पेपर लगा है, ये ऊपर फैन, एसी वाला कमरा लिया हमने, बोला दिन में पूरा दिन धूप में जले तो अभी एसी में सोते हैं रात को। तो ये है हमारा बेड, ये तो ये मेरा भाई खड़ा है यहाँ पे। तो आज आपको कैसा लगा, आपको मेरे साथ आके इतने दूर बाइक पे? बहुत अच्छा लगा। रात में अब परेशानी बड़ी हुई ज़्यादा, लेकिन अच्छा लगा। हरियाणा भी बहुत अच्छा लगा हाँ, आज 450 किलोमीटर हमने, है, बहुत सफ़र किया आज। आज हम दोनों ने आज 450 किलोमीटर सफ़र तय किया। तो अभी तक हाल ही पूछो क्या हाल था हमारा, मगर बस हम नहाए हैं तो अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है हमें। तो अभी ये जब कंबल वगैरह ये यहाँ पे पड़े हमारे, ये देखो अब आके आके सोएंगे, पूरा अपना पैसे जो दिए वसूल किए। यहाँ पे टीवी भी लगा है, अगर देखना चाहते हैं हम तो देख सकते हैं, चलेगा पता नहीं, वो कोई पता नहीं। तो अभी चलते हैं हम बाहर। तो गाइस अभी हम रात के 9 बजे युगाद्री की सड़कों में घूमते हुए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम खाने वाला, कहीं खाने वाला ढाबा मिल जाए खाने का तो कहीं खाना खाएंगे। उस तरफ है, इस रोड के उस तरफ है शायद ढाबा, तो देखते हैं अभी उस तरफ जाना पड़ेगा। तो बस अभी खाना खा के हम निकले हैं, बस फिर रोड क्रॉस करेंगे यहाँ पे। बड़ा ध्यान से करना पड़ता है, पता नहीं कब कहाँ से कोई कौन सी गाड़ी आ जाए। तो यहाँ साथ में बस स्टैंड है, ये इसके पीछे बस स्टैंड है, तो ये चौक है। यहाँ से यमुना नगर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ से सहारनपुर है यहाँ से 38 किलोमीटर, यमुना नगर 5 किलोमीटर। वहाँ जा रहे हैं नहीं जाने दे, कोरोना के केस बढ़ रहे हैं शायद, कोविड तो करवाया होगा आपने, कोविड वगैरह अब तो जाने देंगे, कोविड करवाया तो वहाँ पे वैसे वहाँ भी जाके टेस्ट होगा आपका, वहाँ चले जाएंगे। श्रीनगर से है? नहीं नहीं हम जम्मू से है, जम्मू में, जम्मू हाँ जम्मू, हम डिस्ट्रिक्ट कठुआ से हैं, कठुआ से डिस्ट्रिक्ट कठुआ। मैं भी जम्मू में रहूँगा। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हरियाणा, हरियाणा जुगादरी में हम। तो आप सभी लोगों का आज फिर से स्वागत है आज एक और ब्लॉग के साथ। तो बस अभी कमरे से बस निकले हैं अभी, तो बैग पैक बांध लिए। तो आज पहले यहाँ से जाएंगे बाइक के कॉलेज, फिर उसके बाद निकलेंगे कुरुक्षेत्र के लिए। तो गाइस बस अभी हमने यहाँ पे खाना खाया, तो नमाज पढ़ी जोर की, तो बस निकलने लगे अब यहाँ से जुगाद्री से। अब देखते हैं, अभी हमने यहाँ से जाना है कुरुक्षेत्र, यहाँ से बोल रहे हैं 50 किलोमीटर है कुरुक्षेत्र, आगे तो पता नहीं। तो ये सीधा चला जाएगा अम्बाला के लिए, और ये गया कुरुक्षेत्र के लिए रास्ता। रात को हम यहाँ पे होटल होटल पैराडाइज में रुके थे, यहाँ पे है वो होटल भी साइड पे, साइड पे लगा ले, साइड पे लगा। ट्रेन शोर आ गया, पोल्यूशन आ गया।
थैंक यू सर। इस पुलिस वाले ने हमारा टाइम वेस्ट करवा दिया। अभी हम पता नहीं कहाँ पे पहुंचे हैं, मगर खूब रोड बड़े खूबसूरत हैं। यहाँ पे रोड की कंडीशन तो अच्छी नहीं है, मगर वो जो व्यू दिख रहा है ना इस रोड से, तो क्या बात बताऊँ। ये देखो सामने आ गए, आपको भी दिख रहा होगा ऐसे ऊपर पेड़ है। हमारे वहाँ भी पहले ऐसा ही था, फिर उन्होंने पेड़ काट दिए। तो यहाँ पे हरियाली अच्छी खासी है, यहाँ पे आगे पीछे बड़ा खूबसूरत लगता है। ऐसे रोडों पे चल के ना एक अलग सी फीलिंग आती है। हाईवे पे चलने में वो मज़ा नहीं आता जितना मज़ा इन रोडों पे आता है। ये तो हमारे भारत की खूबसूरती है। तो अभी गाइस यहाँ से कुरुक्षेत्र रह गया कोई 10 किलोमीटर। तो अभी मैंने इसमें पेट्रोल डलवाया, आज फिर 1200 का पेट्रोल डलवाया। तो कल भी 1200 का डलवाया था, आज भी 1200 का डलवाया। अभी तक 2400 का पेट्रोल मैंने एक बाइक में डलवा चुका हूँ। तो गाइस ये है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। अंदर से अंदर तो नहीं गया मैं, मगर बाहर से रोड ही है ये। अच्छा खूबसूरत रोड है ये वाला। अभी यहाँ से सोचा है यहाँ से चलेंगे अभी सहारनपुर, रात को रुकेंगे वहाँ, क्योंकि आज जितना सफ़र तय करेंगे ना कल उतनी आसानी हो जाएगी हमारे लिए उत्तराखंड पहुँचने में। चित्रा यूनिवर्सिटी तो गाइस यहाँ से हरिद्वार 109 किलोमीटर, और आज हम जाएंगे सहारनपुर। तो वहाँ पे हमारा प्लान बना के सहारनपुर निकलेंगे। तो अभी हम बस सहारनपुर के लिए जा रहे हैं अभी। ये सारा फैक्ट्री एरिया लगता है मुझे, क्योंकि हर तरफ फैक्ट्री फैक्ट्री है यहाँ पे। तो अभी हाईवे पे निकल गए हैं अभी हम। तो यहाँ से रह गया सहारनपुर, रह गया यहाँ से, पीछे देखा था तो 34 था, इस वक्त रह गया होगा कोई 30 किलोमीटर। हरिद्वार तो वहाँ से 60 रह जाएगा, तो सहारनपुर है यहाँ से 30 किलोमीटर। तो बस यही कल वाला डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो थोड़ी जगह एक्सप्लोर कर लेंगे हम। तो ये सारा पीछे फैक्ट्री एरिया है साइड। तो गाइस अभी हमने बस अभी हम बस यूपी में एंटर कर चुके हैं अभी। तो दिन दिन में निकल जाते हैं, सहारनपुर पहुँच जाते हैं। यहाँ से सहारनपुर रह गया है मात्र 20 किलोमीटर यहाँ से। तो कल देहरादून है यहाँ से 101 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर ये होगा, 22 किलोमीटर यही 75-80 किलोमीटर होगा यहाँ से देहरादून सहारनपुर से, जहाँ हम रात को स्टे करेंगे। चलो तो देखते हैं अभी क्या होता है। रोड क्या बोलना चाहता हूँ मैं बोलना चाहता हूँ कि रोड तो अब तक तो अच्छे थे, आगे पता नहीं क्या होता है। बड़े खूबसूरत रोड है अभी तक, ये देखो बेड़े। तो गाइस बस हम यहाँ पे रुके थे बस अभी। तो यहाँ पे खड़े होके हमने अच्छे अच्छे फोटो खिंचाए, और वो स्टोरी हम डालते हैं इंस्टाग्राम पे। व्लॉग लेट आएंगे और इंस्टाग्राम पे स्टोरी कंटिन्यूसली हम डालते रहेंगे, जहाँ पहुँचेंगे तब डाल देंगे। तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, तो आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन पे दी होगी, तो याद से फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे भी। तो बस अभी निकलेंगे यहाँ से। एक अंकल गए आगे ट्रैक्टर पे, उसने हेलमेट डाली थी, मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के दिखाता हूँ मैं आपको। अभी गया होगा, आगे पहुँचा होगा। तो गाइस अभी हम सहारनपुर में पहुँच गए हैं। तो कुछ ही दूरी पे है यहाँ पे होटल, तो रात को रुकेंगे होटल में। तो अभी हम स्ट्रीट लाइट की रोशनी में
अपनी गाड़ी भगाते हुए। बस अभी यहाँ से जाके पहले पहला काम होगा हमारा होटल लेना, तो रात को रुकेंगे, सुबह जल्दी निकलेंगे यहाँ से देहरादून की ओर। यह है गाइस यूपी की खूबसूरती, यहाँ पे अब हम ढूंढ रहे हैं कोई होटल मिल जाए, थोड़ी देर ढूंढेंगे फिर उसके बाद ऑनलाइन ट्राई करेंगे। कुछ नहीं सर, कहीं होटल मिलेगा यहाँ आसपास? होटल ही होटल है यार। कहाँ? आपको नाइट रुकना है क्या? हाँ रात के लिए रुकना है हमें सर। रात के लिए? हाँ जी। आप घंटा घर भी चले जाओ, ये घंटा घर भी है सामने। हाँ सामने होटल ही है, चाहे कोई से यहाँ से आगे निकल के। स्टेशन वाले बता रहा है घंटाघर पे नहीं, इस पर हम खड़े थे तो घर बना महारानी होटल है वहाँ है। अच्छा ठीक है, महारानी होटल घंटाघर पे ही, इधर साइड में, इधर साइड में तो महारानी होटल है, होटल है चौक का। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर। देखते हैं होटल में, होटल में बिजी चेक इन करके, जब चेक इन करते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइज अभी हम पहुंचे हैं कमरे में। अगर आपको गाइज ये वीडियो अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना। तो अपने दोस्तों को भी बोलना याद से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल फिर आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तो कल हम यहाँ से जाएंगे देहरादून, तो देहरादून से शायद मसूरी जाएं। अगर गए तो आपको अपडेट दे देंगे इंस्टाग्राम पे, आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं कल फिर आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।